वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज किशनबाग में और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को रामपुरी का कलेक्शन बतलाऊंगा और कुछ विलायती भी यहाँ पर है, तो सारी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर। खैरियत से फैजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह उमर। कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेशन आपका? अपना लोकेशन किशनबाग डायमंड मेडिकल के पास। किशनबाग डायमंड मेडिकल इंडियाना बेकरी के पास भी आए तो पिकअप कर ली। ओके, और क्या नाम है फार्म का आपके? अली गोट फार्म। ठीक है, आपके पास में अभी यहाँ पर रामपुरियों के बच्चे हैं और बड़े साइज के विलायती भी हैं? जी उमर। तो क्या डिटेल है, कितने बच्चे हैं टोटल? ये टोटल उमर भाई 8 बच्चे हैं। टोटल 8 है जी। क्या एज के हैं ये? 6 मंथ्स के रहेंगे उमर भाई, 6 to 7 months। ओके, और सिंगा खींचे हुए पूरों के? सभी के 2 बार सिंग खींचे हुए जी। काफ़ी मोटे सिंग है, देखिए इनके, पकड़ के बतलाइए बच्चे आप। ये गिलेरा है, एकदम बटन कान के अंदर गिलेरी बच्चा है, डबल सिंग खींचे हुए है, ट्रिमिंग भी करी हुई है। ये भी गिलेरी बच्चा सेम वैसे ही है, देखिए एकदम बटन कान। और क्या प्राइस है इनका? ये उमर भाई ईच वन 11,800 से रहेंगे, स्लाइडली नेगोशिएबल रहेंगे। सभी का सेम प्राइस जी 11,800 ईच है, इसमें नेगोशिएबल है जी। ओके, इसमें जेड ब्लैक भी है, ये राइट वाला ना? हाँ। साइजेस भी है देखिए इसके अंदर, अगर जो जल्दी आएंगे उनके लिए, यानी अच्छे साइज का निकाल के भी ले सकते हैं आप लोग। काफ़ी मोटे सिंग है, ट्रिमिंग करी हुई है, शॉर्ट कान में भी है, बड़े यानी बड़े कान का तो मैं समझता हूँ एक भी नहीं है इसमें। पेंसिल कान है उमर, शॉर्ट कान एक है, ये पेंसिल कान का है, दो है ये भी है। हाँ, दो है, बाकी पूरे बटन कान में जी। और सब कच्ची चुन्नी वगैरह भी खा रहे हैं जी उमर भाई? यहाँ खा रहे हैं। अच्छा, ये कच्ची चुन्नी है और यहाँ पर तुअर का छिलका रखे तो सब चीज़ों पे सेट भी हो गए। कब से है आपके पास? अपने पास एक हफ्ते से है। एक हफ्ते से है यानी सेट हो गए पूरे। 11,800 ईच वन है, देखिए इसमें स्लाइटली नेगोशिएबल भी है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है आपके पास? जी उमर भाई, ऑल ओवर इंडिया करा दी, उसके चार्जेस अलग से रहे जी। ठीक है, इसके बाद जो विलायती है आपके वो देखते हैं नेक्स्ट में। फैजान भाई, ये वाला एक विलायती है आपके पास? जी उमर भाई, डबल कलर के हथियार है उमर भाई, और डबल कलर के हथियार है और चालू कुश्ती पे है। कुश्ती का प्रमोशन अपने पास नहीं भाई जी? नहीं, बिल्कुल भी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है कुश्ती फाइट वगैरह प्रमोट मैं करता ही नहीं। वैसा नहीं, एक खेल के वास्ते बोले तो ये बच्चा ले सकते भाई। एग्रेसिव है बच्चा, अगर किसी को पसंद है तो आप लोग ले सकते हैं। देखें, और दो दांत चढ़ाया से जस्ट, और वेट कराए थे इसका 61 एक्यूरेट वेट है। ठीक है, सिर्फ दो दांत का बच्चा है। और क्या लाइव वेट है इसका? 61। आप वेट कराए हुए जी? ठीक है, कोई भी अगर आए तो भी करा के बतला के। हाँ, करा के बतला। ठीक है, ये कब से है आपके पास? ये मेरे पास एक 15 डेज के ऊपर हो गया। 15 डेज के ऊपर हो गया यानी 2 हफ्ते से ये भी है आपके पास। इसकी भी ट्रिमिंग लगभग खरीब खरीब ही हुई भी है जी, यानी आपके पास आने से कुछ दिन पहले ही हुई होंगी। बाल कम है इसके भी, धारी वाले और मोटे सिंगे। देखिए वेट अच्छा है इसका, सिर्फ दो दांत का बच्चा है। क्या प्राइस है इसका? इसका उमर भाई 37,500। ओके, 37,500 इसका आसिंग प्राइस है, 37,500। नाक वगैरह का नखोटा भी देखिए एकदम साफ है और काफ़ी मोटे हथियार में, इसमें भी नेगोशियबल है ना? जी उमर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में ये वाला एक बच्चा है जो काफ़ी हाइट लेंथ में अच्छा बच्चा है। जी उमर, ये भी जस्ट दो पे उमर। ठीक है माशाल्लाह, और हथियार काफ़ी मोटे है, और इसका मार्बल सिंग मार्बल खुर है। इसका भी वेट कराए से 64 पे था आपने, 15 दिन पहले कराए थे। 15 दिन पहले 64 के जैसा, अभी थोड़ा तो प्लस हुआ ही होगा। हाँ हुआ। ठीक है, और वाइट आइस में देखिए बच्चा, कलेक्शन वगैरह एकदम साफ, पूरा गुलाबी बच्चा है और पूरे ज़ीरो ट्रिमिंग पे है। जी उमर। ठीक है, अंडू बकरे है, साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छा है। 60 क्या कितना है बोले थे वेट आप? 64 के जी लाइव वेट है इसका। और क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका उमर भाई 35,500। 35,500 आस्किंग है, स्लाइटली नेगोशियबल है। ओके, ठीक है, इसके बाद में एक और है आपके पास। अच्छा, ये वाला कुर्बानी के लिए जी। ठीक है, तो ये देना नहीं है आपको? नहीं उमर। ठीक है, और क्या है आपके पास? अब ये छः उमर भाई विलायती रामपुरी है फिलहाल, ये दो विलायती है और बाकी के रामपुरी के बेबी शिप्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो और भी कुछ माल आने वाला है? अब तो बकरीद के आज से आने वाले हैं लॉट्स। अच्छा, ये एक 3-4 दिन से स्टार्ट हो जाएंगे तेलंगाना के, सिंधनूर के। नॉर्मली इलेक्शंस के बाद ही यानी स्पीड आ जाएंगी। हाँ। सीजन के अंदर तो अभी भी काफ़ी बकरे मार्केट में मिल रहे हैं। देखिए आप लोग जल्दी कुर्बानी के लिए अगर परचेसिंग करेंगे अच्छे बड़े बकरे और पाल के कुर्बानी करेंगे तो सुन्नत भी है, अफजल भी है, बेहतर है। और खसी भी अगर किसी को करवाना हो तो आप अभी भी करवा ले सकते हैं, 2-3 दिन के अंदर खसी का दर्द की जो तकलीफ़ रहती है वो ख़त्म हो जाती और सुन्नत भी अदा हो जाती, तो बेहतर है। आप लोग
जितना सवाब बढ़ाने की नीयत से अगर कुर्बानी करेंगे तो अच्छे से अच्छी इंशाल्लाह कुर्बानी हो सकती है आप लोगों की। बाकी कोशिश करना अपना काम है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉल कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।